इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। खबर धनपुरी के बुढ़ार से है, जहां कबाड़ियों के हौसले इतने बुलंद है कि चोरी का कबाड़ लेकर जा रहे दबंग कबाड़ी सामने से आ रहे लोगों को रौंदते हुए निकल जाते हैं। ऐसा ही मामला जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां बाइक पर सवार होकर दुकान जा रहे दो सगे भाइयों को चोरी का कबाड़ लेकर जा रहे पिकअप चालक ने रौंदते हुए कई मीटर तक घसीटा, जिससे दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं धनपुरी पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। अब फिर अब चोरी करवा, बताओ रात ने भी तो चोरी कर दो करके तू सब ताला तोड़ के लेके चले गए। तो अभी पट्टी नहीं हुआ, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है ना, अभी प्लास्टर करे ही नहीं। देखिए कैसे सूज उसका, तो टूट गई हड्डी। कल हम लोग जा रहे थे वहां से, मतलब अपनी दुकान से लिए, दुकान के लिए निकल रहे थे सवेरे 5:30 बजे। हम लोग जैसे निकल रहे थे, हम अपनी साइड में थे, पिकअप वाला 70-80 की स्पीड में कम से कम गाड़ी रही होगी। हम लोग राइट जा रहे थे, सीधे लेफ्ट जा रहे थे हम लोग, वो लेफ्ट साइड में वो भी आ रहा था, तो हमने अपनी गाड़ी इधर बरमसिया साइड डाली, तो वो भी बरमसिया साइड डायरेक्ट डालते हुए खींच के बीच रोड में 20 कदम कम से कम हमको घसीटा है, और मेरे दोनों पैर में गाड़ी चल गई, छोटे वाले भाई के भी दोनों पैर में गाड़ी चल गई। क्या लोड था ट्रक में? ट्रक में वही कबाड़ लोड था। ये काम बहुत दिनों से चल रहा है। किस क्षेत्र में चल रहा है ये? धनपुरी और शमकालरी। कौन कर रहा है कुछ मालूम है? कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन अपन को संदेह बस है। बस सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी द्वारा एक दो मोटरसाइकिल चालक, दोनों सगे भाई हैं, जिनका एक्सीडेंट कर चालक एवं अन्य साथी भाग गए हैं, जिस पर मौके पर पुलिस टीम भिजवाई गई तो दोनों घायल मिले, जिन्हें तत्काल 100 नंबर के माध्यम से CSC बुढ़ार भेजा गया। और जो पुलिस टीम वहां गई थी, उसने जब पिकअप की तलाशी ली तो पिकअप के अंदर लोहे के बड़े बड़े पार्ट्स स्क्रैप मिले, और उसके पीछे दो काले रंग के केन मिले, जिसको चेक किया तो उसमें शराब की बदबू आ रही थी। निश्चित रूप से उसमें शराब भरी हुई थी, जिसकी मात्रा करीबन 17 लीटर थी। तो मौके पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और पिकअप में जो लगा कबाड़ था और 70 लीटर शराब था, उसको जब्त कर अज्ञात आरोपी और वाहन चालक के विरुद्ध 34(2) आबकारी का अपराध कायम किया गया। जब उसकी तस्दीक की गई तो मालूम चला कि वो जो लोहे के पार्ट्स थे, वो कालरी के अंदर से चोरी किए गए थे, जिस पर कालरी के द्वारा भी आवेदन भिजवाया गया, तो उस पर 457-380 का अपराध कायम कर दिया गया है। मामला जांच में है, जांच बाद जो भी अज्ञात आरोपी है, वाहन चालक है, वाहन स्वामी है, सबके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। देश प्रदेश के हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।